भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर से निकलकर आज यूपी में पहुंची हुई है। आज हमारा 34वां दिन है। हम लोग बिहार से बॉर्डर क्रॉस करके यूपी में पहुंचे हुए हैं। आज फ्लैग हैंड ओवर हुआ है यूपी की तरफ। मेरे साथ है यूथ का पूरा टीम जो मणिपुर से चल रहा है, जो रोजगार दो न्याय दो कैंपेन को लेके बहुत ही उत्साहित तरीके से हर उस युवा को मिल रहा है जो बेरोजगारी से परेशान है। मेरे साथ पूरा टीम है, हम लोग बात करेंगे शरीफा जी से। प्लीज शरीफा जी आप बताइए। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं यूपी में अब हम आए हैं, यूपी के हर एक जो भी हमारे कांग्रेस कार्यकर्ता है या जो जनसंख्या हमसे जुड़ी है उन सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। जो जनसैलाब हम देख रहे हैं, जब राहुल जी मणिपुर से शुरू किए थे, जिस तरह से लोग हमसे जुड़ते गए हैं और जो जनसैलाब आज निकल के रास्ते में आई है यूपी के, इस रास्ते में आते हुए हम आगे वाले दिन में मुंबई तक ऐसे जो पदयात्रा करते हुए भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेते हुए जा रहे हैं, ये एक बहुत ही बड़ा उदाहरण है कि जो पब्लिक है वो जुड़ी हुई है कांग्रेस पार्टी से। पब्लिक का भरोसा है कांग्रेस पार्टी पे और वो मानते हैं राहुल जी ही वो एकमात्र नेता है जो हर एक मुद्दे को जमीन से लाते हुए पार्लियामेंट तक लेके जाने का काम करेंगे। और आप देखेंगे कि ये जो यात्रा है ये भीड़ कोई पेट भीड़ नहीं है, ये पब्लिक है जो इनसे जुड़ी है। ये जो पब्लिक है इसमें आप युवाओं को देखिए, महिलाओं को देखिए, सीनियर सिटीजन को देखिए, ऐसा कोई नहीं है, हर उम्र के लोग इस यात्रा से जुड़े हैं और वो अपने मर्जी से आए हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि जहां राहुल जी चलना शुरू किए उनके बाद से जो जनसैलाब उनके साथ चलना शुरू किए, इसी बात का गवाह है कि राहुल जी सही और सच्चाई के पथ पे चल रहे हैं, इसी वजह से लोग उनसे जुड़ रहे हैं। मैं विजय जी से पूछना चाहूँगा। विजय जी, जैसे हम लोगों ने 10 साल से लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, तकलीफ़ों में हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है और हमारा कैंपेन भी है कि रोज़गार दो न्याय दो, इसके ऊपर आप थोड़ा सा विस्तार में बताइए। देखिए, जो रोज़गार दो न्याय दो जो कैंपेन युवा कांग्रेस चला रही है, जो हमारे जन नेता राहुल गांधी जी का सबसे बड़ा महामुहिम चल रहा है, आज के दौरान आप देख सकते हैं कि जो वादे मोदी गवर्नमेंट ने किया था कि 2 करोड़ जॉब मिलेगा, ये मिलेगा, सब जुमला है। आज हर एक व्यक्ति, आप देखेंगे न्यूज़ में कि हर 2 दिन में एक युवा मर रहा है, जान दे रहा है, इसका कारण क्या है? सबसे बड़ी चीज़ है बेरोज़गारी। वो अपने घर नहीं चला पा रहे, वो पढ़ लिए लिख लिए, अपने परिवारों को वो नहीं कर पा रहे फाइनेंशियली सपोर्ट। तो इसका सबसे बड़ा मुद्दा है सुसाइड का, वो है बेरोज़गारी। और इसीलिए हम युवा, मैं खुद एक अंडमान निकोबार से आती हूँ और इतने दूर से आज इस यात्रा में जुड़ी हूँ राहुल जी के साथ, ताकि हमें न्याय मिल सके। हम सब पढ़े लिखे नौजवान हैं, हमें नौकरी चाहिए। अगर हमें नौकरी नहीं दिया जाएगा तो हम अपना आने वाला भविष्य का को क्या ही देंगे। इसीलिए हम पूरी की पूरी तरह से इस संघर्ष में राहुल जी के साथ हैं और मोदी जी से हम यही चाहते हैं कि हमें न्याय दे, बेरोजगारी को हटाए, रोजगार दे। धन्यवाद। हमारे साथ पंजाब से परिमान जी हैं। परिमान जी आप बताइए, आप कैसे महसूस कर रहे हैं इस यात्रा को लेके, क्योंकि आप पहले भी यात्रा में रह चुके हैं, भारत जोड़ो यात्रा आपने पूरी की है, भारत यात्री भी रहे हैं और आज भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो मणिपुर से चल रही है उससे आप जुड़े हुए हैं और रोजगार दो न्याय दो कैंपेन को लेके आप क्या समझते हैं? ये जो कैंपेन है ये हमारी जो भारतीय युवा कांग्रेस की तरफ से चलाई गई है, जैसे बिंदिया जी ने भी अभी बताया, न्याय दो रोजगार दो। तो हमारी पूरी टीम है, आप देखोगे हमने ग्राउंड पे जाके जब युवाओं से बात करनी स्टार्ट की थी तो धीरे धीरे युवाओं से हमने जब इंटरेक्ट किया तो उन लोगों ने हमें बताया कि हम रोज़गार है, हमने ये कोर्स किया है, हमने ये स्टडीज़ की हैं पर हमें रोज़गार नहीं मिलता, हम उस उम्मीद में गवर्नमेंट के फॉर्म्स वगैरह भरते हैं पर उस लेवल पर हमें जॉब्स नहीं मिलती। तो आप देखोगे कि लाइन में लग के, बिहार में तो लाइन में लग के युवाओं ने फॉर्म भरवाया, हमारी भारतीय युवा कांग्रेस फीडबैक भी दे रही है। और एक अहम बात मैं बताना चाहूँगा, आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ अंडर एम्प्लॉयमेंट भी है। तो आप देखोगे कि जैसे पढ़े लिखे जो युवा हैं वो ज़्यादा हैं, PhD किए कि ये लोग PN के लिए, सिक्योरिटी गार्ड्स के लिए, पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये भी एक चिंता का विषय है। तो जो बेरोजगारी है ये डे बाय डे हमारे देश में जो बहुत भयानक बीमारी के रूप में बढ़ के आगे आ रही है, तो इसीलिए हमारी तरफ से, युवा कांग्रेस की तरफ से,
हम अपनी टीम पूरी हमारी एफर्ट कर रही है ताकि हम जो युवा हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनका डाटा इकट्ठा कर सके, उनसे मिस्ड कॉल करवा रहे हैं ताकि वो आंकड़े सामने आए। तो कोई जो सरकार आए, चाहे हमारी जो कांग्रेस की सरकार है या कोई और सरकार आए, तो उस पर विचार करे। तो सब युवाओं से यही विनती है कि आप हमारी इस मुहिम का हिस्सा बनिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी बात और भी जारी रहेगी, इस तरह से युवा कांग्रेस के साथ हम अभी भी जुड़ते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।